हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही जहां जगह जगह भूस्खलन के मामले सामने आए हैं, तो वहीं कुल्लू के मणिकरण, बिलासपुर के कुहू मंझवाड़ व चंबा के तीसा में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही सरकार व प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने बरसात के दौरान लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ही पहले ही आपदा प्रबंधन निगम व प्रशासन से एक्टिव मोड पर रहने व बरसात के दौरान लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की थी। रणधीर शर्मा ने कहा कि शिमला के चौपाल में 3 मंजिला इमारत के गिरने से 3 दिन पहले ही उसे असुरक्षित घोषित कर खाली करवा दिया गया था, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं बादल फटने की घटनाएं सामने आते ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, होमगार्ड के जवान व एनडीआरएफ के जवानों को तुरंत राहत कार्यों में लगाया जा रहा है, ताकि तेजी के साथ बचाव कार्य किए जा सके। आपदा प्रबंधन के लिए प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी और हर जिला में जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में कमेटी होती है, और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव सहित सभी जिलों के जिलाधीश और सभी एसपी जुड़े थे। और पहले से मुख्यमंत्री जी ने आगाह किया लोगों को कि मानसून शुरू हो रहा है, इसलिए कई जगह बादल फटेंगे, कई जगह जो है वो लैंडस्लाइड होंगे, तो इसलिए हमें पहले से तैयारी रखनी है और तुरंत जो है प्रभाव से वहाँ काम करना है। मैं समझता हूँ ये सरकार के प्रोएक्टिव होने का परिणाम है कि चौपाल में जो 4 मंजिला भवन गिरा, उसको 3 दिन पहले ही प्रशासन ने असुरक्षित घोषित कर दिया था। वहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को वहाँ उस भवन को छोड़ने के लिए कह दिया था, इसलिए वो जब भवन गिरा तो किसी की मृत्यु नहीं हुई। इसी तरह से कुल्लू में बादल फटे, बिलासपुर में बादल फटे, हमारे जिला प्रशासन प्रोएक्टिव थे, तुरंत वहाँ पर पहुँचे, राहत कार्य शुरू किए गए और कोशिश की गई कि कम से कम नुकसान हो, परंतु बादल फटने की घटना का पूर्वानुमान नहीं होता, कहाँ फटेंगे, कब फटेंगे, इसलिए घटना घटने के बाद ही वहाँ पहुँचा जाता है। परंतु क्योंकि सभी जिलों की आपदा प्रबंधन समितियाँ जो है मुस्तैद हैं, इसलिए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं, पुलिस प्रशासन, होमगार्ड के जवान राहत कार्य में जुट जाते हैं और आवश्यकता हो तो हम एनडीआरएफ को बुलाते हैं और उनके जवान आकर भी राहत कार्य करते हैं। वहीं प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि आपदा के दौरान पीड़ित परिवारों को निःशुल्क राशन व गैस कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं, ताकि इस संकट की घड़ी में उनका पूरा सहयोग किया जा सके। आपदा पीड़ितों के लिए हमारा विभाग जो है संवेदनशील है और जहाँ जहाँ भी ऐसी आपदाएं आ रही, वहाँ हमारे विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे प्रभावित परिवारों को निशुल्क उनको राशन जो है मुहैया कराया जाए। और बहुत जगह ऐसा भी देखने को मिला कि उनकी रसोई गैस के सिलेंडर भी कहीं बह गए, कहीं जल गए, इस प्रकार की घटनाएँ भी आए, तो हमने सारा का सारा कनेक्शन भी ऐसे प्रभावित परिवारों को जो है रसोई गैस का कनेक्शन देना जो है ये भी सुनिश्चित किया है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।